हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सारे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इन बेल्जियम द फ्रेंच कम्युनिटी वॉज कम्पोज ऑफ, तो बेल्जियम में अपना फ्रेंच कम्युनिटी कितना है? 40%। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए जो बेल्जियम में किस किस एथनीसिटी के लोग रहते हैं। तो बेल्जियम के अंदर 40% तो फ्रेंच रहते हैं। डच का परसेंटेज वहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है 59%, फ्रेंच सेकेंड नंबर पे 40%, एंड रेस्ट 1% अपना जर्मन कम्युनिटी है। देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। विच टू लैंग्वेजेस अमॉन्ग द फॉलोइंग आर प्रोमिनेंटली स्पोकन बाय बेल्जियम नेशनल्स, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डच एंड फ्रेंच। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेशल प्रॉब्लम्स इन ब्रसेल्स वॉज रिगार्डिंग, तो ब्रसेल्स आपका बेल्जियम का कैपिटल है और वहाँ पर स्पेशल प्रॉब्लम क्या था? जो पूरे कंट्री में डच आपका मेजोरिटी में था, बट कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में फ्रेंच कम्युनिटी मेजोरिटी में था। तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग ऑप्शन कौन सा है। पहला ऑप्शन है, डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ माइनॉरिटी इन द कंट्री बट मेजोरिटी इन द कैपिटल, तो ये गलत है ना अपना। इसका जस्ट अपोजिट केस था। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड इन अ मेजोरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल, तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एथनिक ग्रुप्स इन बेल्जियम हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड दे लिव इन, तो बेल्जियम के अंदर सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप डच स्पीकिंग पीपल का था और वो जिस रीजन में रहते थे उसे बोलते थे फ्लेमिस रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ बेल्जियम, तो बेल्जियम के साथ इनमें से कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन फ्रांस, तो फ्रांस तो बॉर्डर शेयर करता है आपका, तो ये आंसर नहीं होगा। सेकेंड नीदरलैंड भी बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। थर्ड ऑप्शन है स्वीडन, तो स्वीडन आपका बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? स्वीडन। अपना लास्ट ऑप्शन है लक्जमबर्ग, तो लक्जमबर्ग भी बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी नहीं होगा। हाउ मेनी टाइम्स वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970s एंड 1993, तो टोटल बेल्जियम में अपना 4 times कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 times। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन बेल्जियम हाउ वेयर द टेंशंस बिटवीन लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज कंट्रोल, तो वहाँ पे जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज थी फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पीपल, उनके बीच में टेंशंस को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया, तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बाय मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम। व्हाट पावर्स डज द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम होल्ड, हमने देखा था चैप्टर में जो बेल्जियम में जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट का, और कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास क्या क्या अधिकार होता है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि बेल्जियम के अंदर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट रन कर रही है उसे कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू पे डिसीजन लेने का अधिकार है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, पॉलिटिकल इशू, तो नहीं, पॉलिटिकल इशू पे वो डिसीजन नहीं ले सकते, आपका डिफेंस रिलेटेड इशू पे भी नहीं ले सकते, तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, तो बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करता है? तो कम्युनिटी से रिलेटेड लोग इलेक्ट करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कम्युनिटी गवर्नमेंट इज ट्रू, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का बात नहीं हो रहा है। सेकंड, पावर इज शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। थर्ड वन है अपना, पावर इज शेयर्ड बाय द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर इज शेयर्ड बाय 2 or more पॉलिटिकल पार्टीज, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का बेसिस ही था, वो किस बेसिस पे बना था? सोशल ग्रुप्स जितने थे, सोशल डिविजन्स, उसके बेसिस पे फॉर्म हुआ था, तो जो भी पावर शेयर करेंगे वो सोशल ग्रुप्स करेंगे, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बेल्जियम हैज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, तो बेल्जियम किस प्रिंसिपल पे वर्क किया? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एकोमोडेटेशन। फर्स्ट वाला देखे थे मेजोटेरियन गवर्नमेंट जो था, मेजोटेरियनिज्म कहाँ पे फॉलो किया जाता था? श्रीलंका के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका इज, तो वहाँ पे मेजोरिटी में जो कम्युनिटी है वो शेंगला स्पीकिंग पीपल, और शेंगला स्पीकिंग पीपल आपका बिलोंग करता है बुद्धिज्म कम्युनिटी से मैक्सिमम। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेंगला स्पीकिंग पॉपुलेशन इन श्रीलंका, तो ये हो जाएगा अपना अबाउट 74%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका,
तो ये अपना हो जाएगा सिंगला एंड तमिल, सबसे ज़्यादा सिंगला स्पीकिंग पीपल है, नेक्स्ट तमिल है। देखते क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। फर्स्ट है श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1958, तो ये फर्स्ट ही इनकरेक्ट हो गया आपका, क्योंकि श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था आपका 1948 में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल गवर्नमेंट मेजर्स एडॉप्टेड इन श्रीलंका ग्रेजुअली इंक्रीज्ड डेथ अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स को कैसा फील होने लगा था, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है वो बायस्ड होकर काम कर रही है, सारे काम इनके खिलाफ कर रही है, तो अपने आप को अलग थलग समझने लगे थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फीलिंग एलिनेशन, उन्हें लग रहा था उनके साथ भेदभाव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप्स विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड, हम लोग बोलते हैं सिविल वॉर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, श्रीलंकन तमिल्स डिमांडेड एंड इंडिपेंडेंट स्टेट विद द नेम ऑफ तमिल इल्म नाम से वो स्टेट का डिमांड कर रहे थे, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट, फर्स्ट ऑप्शन चेक कीजिए, हेल्प्स द पीपल इन डिफरेंट कम्युनिटीज टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोजेज द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर द अदर्स, तो ये ऑप्शन तो डायरेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, तो इसके बारे में सोच सकते हैं। लास्ट भी चेक कर लीजिए, इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर, तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट अपहोल्ड्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो करेक्ट है अपना, पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर एक्सेप्टेड शेयर, इट इंश्योर्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन लॉन्ग रन, ये भी करेक्ट है, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, तो ये भी आपका करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, बी, विद इन द कंट्री जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उसका उसके उम्मीद के हिसाब से शेयर मिलेगा, ये जरूरी नहीं है आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज नॉन एज, विद इन द गवर्नमेंट अगर पावर शेयर किया जाता है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स में तो उसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। सेकेंड ऑप्शन देखिए, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है, तो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी यही होता है आपका, जो ऊपर से नीचे की तरफ पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन आपका पंचायत। द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉन एज, तो अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, हायर से लोअर लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस में होता है, वर्टिकल सिस्टम ऑफ डिवीजन में, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग, तो ध्यान रखिएगा आपने से प्रूडेंशियल रीजंस पूछा है, तो ऑप्शन डी चेक कीजिए, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट्स हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, तो प्रूडेंशियल रीजंस में एनसीईआरटी में क्लियरली यही स्टेटमेंट दिया हुआ आपका, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर हमसे पूछा है, तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है, अभी देखा था हमने, जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो ऑप्शन ए में देखिएगा, प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल्स दिया हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग का फॉर्म इनमें से कौन सा नहीं है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपल्स, तो लोगों के बीच डायरेक्ट पावर को डिवाइड कर देना। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, डिवीजन ऑफ पावर अमंग द सोशल ग्रुप्स, तो ये होता है आपका, देखे थे कम्युनिटी गवर्नमेंट में, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, तो ये भी देखने के लिए आपका मिलता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन लोगों के बीच डायरेक्ट इंडिविजुअल्स के बीच में पावर को शेयर नहीं किया जाता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगर आपको ये क्वेश्चंस का सीरीज अच्छा लगा हो, डिस्कशंस में मजा आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।